नगर निगम के वार्ड नंबर 7 के एसएस कॉलोनी के हालत इतने बदतर है कि एक वर्ष से दलित बस्ती में भरा हुआ गंदा पानी वहां के बासिंदों जल भराव की समस्या से एक लंबे समय से परेशान हो रहे, फिर भी नगर निगम उनके समस्या की ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है। जल भराव की समस्या से पीड़ित वार्ड नंबर 7 एसएस कॉलोनी के बासिंदों ने नगर निगम आयुक्त अमर सत्य गुप्ता के बंगले का घेराव किया। मोहल्ले के वार्ड वासियों का कहना है कि करीब एक वर्ष से बस्ती में भरा हुआ गंदा पानी महिला और बच्चों के आवागमन में होती है परेशानियां, आम नागरिकों को परेशानियों का निकलने में करना पड़ता है सामना। वार्ड नंबर 7 के बासिंदों ने कहा कि हमारी समस्या को जनप्रतिनिधि सुनते हैं और नगर निगम के आयुक्त वह तो इतने लापरवाह हैं कि उन्होंने एक वर्ष से हो रही दलित बस्ती में जल भराव की समस्या की ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। जल भराव की समस्या से तंग आकर आम नागरिकों ने नगर निगम आयुक्त के बंगले का घेराव किया। मौके पर नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी अमले के साथ आयुक्त निवास पर आक्रोशित लोगों से चर्चा कर रहे। नगर निगम अधिकारियों से कई बार शिकायत उसके बावजूद भी हमारी समस्या का कोई निराकरण आज तक नहीं निकला। नगर निगम आयुक्त के बंगले पर पहुंचे आम नागरिकों ने उनके कर्मचारियों ने कहा कि हमारे साहब तो भोपाल प्रवास पर है, फिर उन्होंने दूरभाष पर नगमायुक्त को बताया। नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी भी मौके पर पहुंचकर समस्या का निराकरण करने के निर्देश दिए। क्या समस्या है? क्या समस्या? पानी भरा बहुत सारा, रोज बच्चे गिरते, हम गिर जाते हैं और बहुत दिक्कत है। करने के लिए रास्ता नहीं है, पानी भरा बहुत सारा, पानी को हम सब मरेंगे मरेंगे मरेंगे। खेतन वाले ने बुढ़ी गाड़ दी है सर, कम से कम 2-3 महीने हो चले, पानी निकलता ही नहीं है, रास्ता ही नहीं है उसमें, और आते सुनते नहीं दे लोग हमारी। यहाँ कब तक बैठे रहोगे? हम तो यही बैठेंगे, चिगेंगे नहीं, मरेंगे मरेंगे, तोड़ मारी जाएंगे, तोड़ ये तो चिगेंगे नहीं, कुछ भी हो जाए। मुरैना से देवेंद्र सिंह राजपूत की रिपोर्ट।